हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो हेलो। आप सोच रहे होंगे मैं इतना हेलो क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। सो इफ यू आर सीइंग दिस फेस फॉर द फर्स्ट टाइम, देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग मी चैनल। और हाँ, आज मैंने स्मोकी आइस किया है, देखो कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होता है कि हमको फास्टिंग और ईटिंग दोनों को साइकिल्स में करना होता है। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे फर्स्ट है 16:8 इंटरमीडिएट फास्टिंग, फिर होता है 5:2 इंटरमीडिएट फास्टिंग, फिर होता है ईट स्टॉप ईट इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चलता है वो है 16:8 इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है कि 24 आवर्स को 16 और 8 आवर्स में डिवाइड करना पड़ता है, जहाँ पे 16 आवर्स का हमको फास्ट रखना पड़ता है और 8 आवर्स हमारा ईटिंग विंडो होता है। और उस 8 आवर्स में आप जो भी मर्जी वो खा सकते हैं। पहले हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इससे बेनिफिट्स हैं कि सबसे फर्स्ट, ये वेट लॉस में हेल्प करता है। नंबर टू, ये ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड्स और LDL होता है उसकी मात्रा को कम करता है। नंबर थ्री, ये इंसुलिन हार्मोन को रेजिस्ट करता है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इन्फ्लेमेशन को भी मिनिमाइज करता है, ब्रेन हेल्थ और एंटी एजिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग में होता क्या है? एक्चुअली जब हम फास्टिंग करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तब हमारा जो HGH होता है, ग्रोथ हार्मोन, वो इंक्रीज होता है और इंसुलिन लेवल जो है कम होता है। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हमारा इंसुलिन लेवल गिरने लगता है, तब हमारा जो फैट है बॉडी में वो एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है, और हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो उस फैट को यूज़ करता है और हमारे मसल्स गेन में और फैट लॉस में हेल्प करता है। तो ये तो हो गई साइंटिफिक बातें। अब मैं बताऊंगी कि हाउ आई यूज़ इंटरमीडिएट फास्टिंग इन माई लाइफस्टाइल, बिकॉज ये 16 घंटे फास्ट रखना और 8 घंटे खाना, ये तो पॉसिबल नहीं है, एवरी डे में तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है ना, ये है बहुत अच्छी चीज़। तो इसको किसी ना किसी तरह से अपनी लाइफस्टाइल में अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो इट विल बेनिफिट आवर हेल्थ टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। लेकिन इंटरमीडिएट फास्टिंग कौन लोग ना करें? तो ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब, जो ब्रेकफास्ट में सोचते हैं लंच में क्या खाएं, लंच में सोचते हैं डिनर में क्या खाएं, और डिनर में सोचते हैं कि अगले दिन क्या खाएं। तो जिनको ईटिंग डिसऑर्डर है वो लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग ना करें, उनको फ़ायदा तो होगा नहीं बल्कि नुकसान हो जाएगा। और सेकेंड, जो लोग का वेट काफ़ी कम है, जो लोग अंडर वेट हैं, वो लोग भी इंटरमीडिएट फास्टिंग ट्राई ना करें। अब मैं हम चले जाते हैं कि मैंने इसको अपनी लाइफस्टाइल में कैसे इंक्लूड किया है। इंटरमीडिएट फास्टिंग को मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर कि इंटरमीडिएट फास्टिंग को मैंने अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लिया है। सबसे पहले ये जो 16 आवर्स का फास्टिंग गैप है, इसको मैंने कम करके 12-13 आवर्स कर दिया है, कि एवरी डे मैं 12-13 आवर्स का ब्रेक गैप रखती हूँ, जो कि मेरा फास्टिंग पीरियड होता है, और बाकी टाइम पर मैं ईटिंग नॉर्मल जैसे खाते हैं वैसे खाती हूँ। यूजुअली इंटरमीडिएट फास्टिंग को हम लोग नाइट टाइम में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा टाइम तब स्लीपिंग में चला जाता है, तो वहाँ पे इस गैप को मेंटेन करना इजी होता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। यूजुअली मैं डिनर 6:30 बजे तक ले लेती हूँ। अब आप लोगों को लगेगा 6:30 बजे कौन डिनर करता है, लेकिन मुझे तो ये आदत हो गई है। मैं ऑफिस से आती हूँ और फिर मैं जो डिनर करती हूँ और उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं खाती हूँ। तो अराउंड 6:30 मेरा डिनर हो जाता है, और नेक्स्ट डे मैं 7:00 या 7:30 तक अपना फर्स्ट मील या फर्स्ट ब्रेकफास्ट का जो भी है खाना वो खाती हूँ। लेकिन इस ये जो बीच में जो पीरियड है, इस पीरियड में आप क्या खा सकते हैं? आप आराम से पानी पी सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, आप सुबह उठकर अगर आप कोई वेजिटेबल का जूस लेते हैं तो वो ले सकते हैं, उसमें शुगर थोड़ी मात्रा में होती है बट वो चलता है। फिर आप लेमन हनी वाटर जो होता है वो ले सकते हैं, आप अदरक का काढ़ा वगैरह ले सकते हैं, लेकिन विदाउट शुगर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 12-13 आवर्स का गैप है, इसको मैं क्यों रखना चाहती हूँ। देखिए, हमारी बॉडी का दो काम होता है। फर्स्ट काम होता है बॉडी में जो भी खाना गया है उसको डाइजेस्ट करना, ये प्रायोरिटी है। यही जब ये खाना डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी करती है हीलिंग। यदि हम लोग लास्ट मील जो भी खाते हैं डिनर में, तो उसको डाइजेस्ट होने में परसेंट टू परसेंट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है और आपने क्या खाया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे 11 घंटे लग जाते हैं।
अगर आपने नॉनवेज वगैरह ज़्यादा खाया है, थोड़ा ज़्यादा रिच फूड खाया है, तो हो सकता है आपको 12 घंटे भी लग रहे हैं। लेकिन अगर आपने काफ़ी सात्विक खाना खाया है तो हो सकता है आपको 8 घंटे भी लग रहे हैं अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई है। तो इससे होगा क्या, मान लीजिए अगर मैं 13 आवर्स का गैप दे रही हूँ और मेरा खाना 10 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाता है, तो बाकी जो 3 आवर्स है वो हमारी बॉडी को मिलता है हीलिंग करने के लिए। मान लीजिए कोई कट है उसको हील होता है, या हमारी स्किन में कोई पिंपल है वो भी हील होता है, या फिर हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, हमको गैस का प्रॉब्लम हुआ है, या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हुआ है, या कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, ये सारा काम का हीलिंग का जो काम है ये हमारी बॉडी करती है वो 3 आवर्स में। मतलब एवरीडे हम खाते हैं, एवरीडे कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में, बड़ी प्रॉब्लम नहीं लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, लेकिन होता क्या है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पाइल अप होते होते ही तो बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाती है। इसीलिए अगर हम डेली अपनी बॉडी को हीलिंग का टाइम दे तो हमारी इम्यूनिटी ओवरऑल इंक्रीज होती है, हमारा डाइजेशन बेटर होता है, हमारी स्किन ग्लो होती है, हमारे हेयर अच्छे होते हैं, हर चीज़ में इसका इफेक्ट दिखेगा। और मैं बोलूँगी कि आप भी ज़रूर इसको जितना हो सके अपने हिसाब से इसको अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। अगर मान लीजिए आप डिनर करते हैं 9 बजे, या कोई अगर 10 बजे भी डिनर करता है, तो लेकिन सुबह उठते ही तो 6 बजे 7 बजे आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप चाय पीते हैं। बस एक वो चाय स्किप कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद ब्रेकफास्ट तो हो सकता है आप या 9 या 10 बजे ही करते हैं, तो ओवरऑल 12 घंटे तो आपको मिलते ही हैं। तो ये टाइम को आप फुल्ली यूटिलाइज कीजिए, सिर्फ एक चाय को छोड़कर उसकी जगह पे आप आपको जो पसंद आया पानी पीजिए, या ग्रीन टी पीजिए, या ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, बस वो चीनी वाली चाय छोड़ दीजिए सुबह, तो फिर आपको भी ये टाइम मिल जाएगा 12 से 13 घंटा। आप सिर्फ कोशिश कीजिए, एक दिन दो दिन ट्राई करके देखिए, फिर आपको अपनी बॉडी ही बोलेगी कि ये वाला प्रोसेस कितना अच्छा लग रहा है। आपकी बॉडी विल लव इट एंड यू विल लव इट इन टर्न, क्योंकि जब आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी तब आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आप रोग मुक्त रहे, और आजकल ये कोरोना के समय में जितना हो सके अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करें, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग को अपने हिसाब से जितना हो सके 12 घंटा 13 घंटा, या कभी हो गया तो कोई बात नहीं 11 घंटा, इतना ब्रेक अपनी बॉडी को ज़रूर दे ताकि अपनी बॉडी को हीलिंग का टाइम मिले, क्योंकि हमारी बॉडी बेस्ट डॉक्टर है। अपनी डॉक्टर के पास तो हम लोग जाते ही हैं, जब सब कुछ असंतुलित हो जाता है तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन असंतुलन होने से पहले हम खुद तो कुछ ट्राई करते हैं, तो ये बेस्ट मेथड है अपने आप को स्वस्थ रखने का। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।